हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अनु। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं पैकिंग, और किस लिए ये हो रहा है पैकिंग ये आपको बाद में पता चलेगा, तो पूरा ब्लॉग देखते रहिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे पैकिंग शुरू हो चुका है और यहाँ पे सारा कपड़े पैक कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये वीडियो है 7 अक्टूबर का, तो यहाँ पे पैकिंग हो रहा है और रात का बज रहा था 8, तो यहाँ पे हम यहाँ पैकिंग शुरू कर दिया है और 1-2 घंटे में ये हो चुका था। और जो भी सामान ले जाना है वो मेरा कपड़ा और इनका कपड़ा दोनों सब कुछ हम लोग पैक कर रहे हैं यहाँ पे हम। और पैकिंग करते करते रात बहुत लेट हो चुका था, इसलिए उसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये फिर से आपको मिलेगा नेक्स्ट डे का व्लॉग इसके बाद, तो देखते रहिए आगे। ये बस पैकिंग की है रात में, बस उसी का वीडियो है। और ये व्लॉग में आपको आवाज़ थोड़ा मेरा धीरे मिल सकता है क्योंकि ये ससुराल में शूट किया हुआ है। तो यहाँ पे सुबह हो चुका है और सुबह के बज रहा था 11, और इस टाइम हम नहाने के बाद सारा काम हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद लगा रहे मॉइस्चराइज़र। और अपना डेली का रूटीन फॉलो करने के बाद यहाँ पे उसके बाद करेंगे पूजा। तो यहाँ पे डेली रूटीन फॉलो करने के बाद हम यहाँ पे अपने थोड़ा बाल को ड्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उस दिन शैम्पू किए थे। तो यहाँ पे बाल को सुखाने के बाद बाकी का काम करेंगे और फिर करने जाएंगे पूजा। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है और हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अनु। और आज डे है फ्राइडे, तो आज बिल्कुल हम रेडी हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और अब बस पूजा करना बाकी है। तो बहुत लेट हो चुका है, तो आज हम ऐसे रेडी क्यों हुए, एक तो नवरात्रि है और दूसरा क्या रीज़न है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, तो मेरा बहुत सारा काम तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हो चुका है और चल रहे अभी पूजा करने। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग और चलते हैं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पे पूजा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जला रहे दिया और अगरबत्ती दिखाएंगे। और यहाँ पे दिया जला चुके हैं और ये था नवरात्रि का दूसरा दिन और यहाँ पे पूजा हो रहा है। और पूजा करने के बाद बहुत सारा काम भी है तो सबको निपटाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे पूजा हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इसलिए पूजा बहुत जल्दी में कर रहे हैं। और ये लास्ट व्लॉग है नागपुर का और इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे ये आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तो व्लॉग ज़रूर देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है और इसके बाद लास्ट में हम तुलसी में जल डालेंगे और इसके बाद पूजा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही किचन का कुछ काम है तो वो सब पूरा करेंगे। तो ये है यहाँ का छोटा सा मंदिर, बहुत अच्छे से इसे पूजा के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे
जल अभी डालेंगे उसके लिए लोटा है। तो यहाँ पे पूजा हो चुका है, इसके बाद तुलसी में जल डालेंगे। तो यहाँ पे बैठ के पहले प्रणाम कर लेते हैं, और पूजा हमेशा जरूर करना चाहिए अगर जब भी टाइम मिले। अगर आप डेली पूजा नहीं करते तो कभी कभी बीच में जरूर करें, इससे पॉजिटिव वाइब्स के घर में आएगा। तो यहाँ पे हम तुलसी में जल डाल लेते हैं और साथ ही सूर्य भगवान को यहीं पे जल दे देते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहीं से दोनों जगह जल डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट होने वाला है। तो ये नागपुर में मेरा लास्ट डे था। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 12। मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ पे आ चुके हैं हम किचन में। किचन में बना रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा आलू बिरयानी। तो ये रेसिपी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल सा बिरयानी रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू डाल रहे फ्राई करने के लिए, उसके बाद बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे और उसमें डालेंगे बासमती राइस और दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे और ये बिरयानी कम्प्लीट हो जाएगा। आने के बाद 7 बजे के बाद 1 घंटा जो भी घर काम था, जो भी सब कुछ पैक करना था, वो सब करने के बाद यहाँ से हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। टाइम होने वाला है 8:30। सब कुछ पैक है, अब चलिए मिलते हैं। अब पता नहीं 1 महीना या 1.5 महीना के बाद। लाइट ऑफ कर दे। तो अभी टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 8:30, और अभी हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। ये देखिए पैकिंग हो चुका था और सब कुछ पैक करने के बाद यहाँ पे निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पे घर को लॉक कर रहे हैं और बज रहा था रात के 8:45। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कचरा अंदर रह गया था, तो दोबारा अंदर जाना पड़ा। तो अब घर को लॉक कर रहे हैं। और ऑटो इंतजार भी कर रहे हैं। तो
तो आप चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं और फिर ऑटो में बैठ रुकोगे ना, हवा ना थोड़ा सा जो है।